हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हैं जैसवाल रॉयल गेस्ट हाउस। जी हाँ दोस्तों, ये वरई में स्थित है। तो जैसवाल के दो गेस्ट हाउस हैं, एक है जैसवाल मंदिर और एक है जैसवाल रॉयल गेस्ट हाउस। हम आज आए हैं जैसवाल रॉयल गेस्ट हाउस में। हमारे गाँव के एक विश्वकर्मा जी हैं, उनके लड़की की शादी है इस गेस्ट हाउस में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर ये गेस्ट हाउस बुक करना है तो आप कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा सकते हो और आपके लिए सफिशियंट है या नहीं है। ये हमारा कुछ एंट्री गेट होने वाला है इस तरीके से। कितना प्यारा है ये एंट्री गेट, कितना गजब सजवा रखा है। बहुत रुपए खर्च किए हैं भाई, काफ़ी रुपए खर्च किए हैं विश्वकर्मा जी ने। ये उनके लड़की की फ़ोटो है, जो दामाद बनने वाला है उसकी भी फ़ोटो है। मतलब ये जो लड़का लड़की है उनकी फ़ोटो है, और आप देख सकते हो कितना गजब इन्होंने सजवा रखा है पूरे गेस्ट हाउस को। और ये है हमारा एंट्री पॉइंट और ये है जैसवाल रॉयल गेस्ट हाउस। बहुत ही गजब डेकोरेट हो रखा है। और आपको स्पेस जो है, अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो बहुत ही स्पेस मिल जाता है आपको इस गेस्ट हाउस में। तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ना हुक्का बार रखा हुआ है। ये सारे लड़के हुक्का पी रहे हैं और मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो ये हुक्का है। आगे चल के हमने देखा कि ये राधे मोहन महफिल पान काउंटर, क्या है, राधे मोहन महफिल पान काउंटर। हमने स्टार्टअप यहीं से किया है। हम स्टार्ट करते हैं, पहले पान को खाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे के इतने प्यारे प्यारे से नज़ारे। मैंने बनवाया है फायर पान, और मैं ज़िंदगी में रिस्क तो लेना चाहता नहीं हूँ, तो मैंने कहा पहले मेरे दोस्त को खिलाओ। ये हैं संदीप विश्वकर्मा जी, जो कि मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा पहले इनको खिलाओ, अगर इनका सही गया, मतलब इनको कोई नुकसान नहीं हुआ इस पान से, उसके बाद मैं खाऊंगा। भाई मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मैंने कहा चलो अब मेरे लिए भी लगाओ। भैया फिर वो लगा रहे हैं पान, और ये देखो ये आग ही लगाई पान में, और ये हमारे मुंह में जाने वाला है ये। वाओ, पूरा धुआं धुआं हो गया। बहुत अच्छा लगा। और ये देखो कितना प्यारा सा इन्होंने जो है व्यवस्था बना रखी है बैठने के लिए। और ये हमारा फ्रूट काउंटर, यहाँ पे सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं फ्रूट्स खाओ। ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक वाला काउंटर, तो सभी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक जो अवेलेबल थी इस काउंटर पे, लाइक ड्यू, स्प्राइट, मिरिंडा। और ये जो है यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है खाने का अरेंजमेंट। ये बहुत बड़ा मैदान है, मैदान नहीं, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे ये खाने का अरेंजमेंट हो रखा है। तो अगर मैं एक बात करूँ लाइक मतलब स्पेस की, तो स्पेस की थोड़ी सी भी कमी नहीं है यहाँ पे। आप देख ही सकते हो कितना बड़ा गेस्ट हाउस है, कितनी बड़ी ये जगह है जहाँ पे ये खाने का अरेंजमेंट हो रखा है, और कितना प्यारा लग रहा है, कितना गजब सजवा रखा है ना। आप देख सकते हो सिटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे आप यहाँ पे मंडप रखा जाएगा, सामने आप देख सकते हो यहाँ पे मंडप रखने की जगह है। और इसके बगल में ही कुछ रजाई गद्दे डले हुए हैं जहाँ पे मतलब आप लेट सकते हो। तो बहुत ही स्पेस है इस गेस्ट हाउस में। और आप देख सकते हो, वापस से मैं आ जाता हूँ जहाँ पे ये खाने का अरेंजमेंट हो रखा है उस ग्राउंड में। तो आप देख सकते हो कितना गजब इन्होंने ग्राउंड सजवा रखा है। ये है हमारा सैलेड का काउंटर, और यहीं पे बगल में प्लेट्स हैं। यहाँ पे लोग प्लेट्स ले रहे हैं, जिनको सैलेड लेना है सैलेड ले रहे हैं। ये वो गेट है जहाँ से अभी हमने एंट्री किया है, सामने कोल्ड ड्रिंक वाला काउंटर लगा है, मैंने आपको बताया था अभी। अब हम देखते हैं कि खाने का इन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट करा रखा है, मतलब आपको कितनी जगह मिल जाती है अगर आप इस गेस्ट हाउस को बुक करते हो। अगर मैं बात करूं विश्वकर्मा जी की, सुरेश विश्वकर्मा जी की, जिनकी लड़की की शादी में मैं आया हूं, उन्होंने भाई साहब बहुत ही गजब, मतलब बहुत पैसे खर्च किए हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, टिंग से लेके टोंग, डिंग से लेके डोंग, सारी चीज़ें हैं यहां पे खाने पे, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। ये देखो दोस्तों, सिटिंग के लिए कितना अच्छा मतलब जो है व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। ये अगर आपको सुकून से बैठ के आप यहाँ पर खाना खा सकते हो। टेबल्स हैं, लाइट लगी है, बिल्कुल एकदम रॉयल माहौल बना रखा है। सच में रॉयल गेस्ट हाउस का जो नाम है ना, जैसवाल रॉयल, रॉयल जैसी फीलिंग आती है। ये आप देख सकते हो सामने है ना, टेबल्स हैं, चेयर हैं गजब गजब, उसके नीचे लाइटें लगा रखी हैं। और ग्राउंड देखो कितना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे ये खाने का अरेंजमेंट हो रखा है।
तो आप कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट करवा सकते हो अपने शादी में या फिर जो भी आप फंक्शन यहाँ पे करना चाहते हो। ये देखो कितना प्यारा सा ये टेबल सजा रखा है और आसपास चेयर डाल रखी है खाने के लिए। आप अपनी थाली लाओ, मतलब प्लेट्स लाओ पर्स के, और यहाँ पे सुकून से बैठ के खाओ। ये मैंने फर्स्ट फ्लोर से कुछ आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश की है इस ग्राउंड की। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम ऊपर आते हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये है बगल में आप देख सकते हो जयमाल हाउस है। तो एक बार मैं फिर से आपको ग्राउंड दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितना स्पेस आपको मिलता है इस ग्राउंड में अगर ये गेस्ट हाउस आप बुक करते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत जगह है और आप ये फर्श देख सकते हो कितना क्लीन है इस ग्राउंड का। अब हम जयमाल हॉल में एंट्री करते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमें काफ़ी स्पेस देखने को मिलता है, बहुत स्पेस है इसमें भी। और इसके सामने ही एक गेट मिलेगा जिससे आप बाहर निकल जाओगे इस जयमाल हॉल से। तो आप देख सकते हो कितनी सारी लाइट्स लगी हैं इस हॉल में। और एक बार मैं आपको ना गेट से बाहर दिखाता हूँ कि गेट से बाहर कैसे एंट्री करते इस जयमाल हाउस में, और मतलब जैसे लड़का कहाँ से एंट्री करेगा इस जयमाल हाउस में। तो जो ये आपको सामने गेट दिख रहे हैं ना, इससे हम बाहर आते हैं थोड़ा सा। तो बाहर से कुछ ऐसा लुक होने वाला है, ऐसे लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक है भाई, ऑसम। ये सामने जो देख रहे हो ना पंडाल सा लगा हुआ है, यहाँ पे लड़की का टीका होगा। तो बारात आ चुकी है, तो बारात गेट पे जैसे कि आप देख सकते हो, और ये पानी का फुव्वारा लगा हुआ है। तो बारात आ चुकी है, सारे बराती डांस कर रहे हैं, तो सारे बराती डांस कर रहे हैं। और यहाँ से अभी लड़का उतरेगा और लड़की का होएगा सबसे पहले टीका। तो टीका ये सामने होएगा और ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ के लड़का जो है जयमाल हॉल में एंट्री करेगा। ये है एंट्री गेट जयमाल हॉल का, यहाँ से लड़का क्या करेगा, एंट्री करेगा। और इन्होंने कुछ आवश्यक सूचना लिखवा रखी है, अगर आपका कोई बुकिंग करनी हो या कोई शिकायत हो तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो आप आगे चलते हो, आपको यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और ये बाथरूम है, ये भी बहुत क्लीन है, आपको कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिलने वाली। और अगेन हम फिर से जयमाल हॉल में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू है इस जयमाल हॉल का। सच में जैसे मैं पहली बात कर चुका हूँ कि इसका नाम है जयसवाल रॉयल, तो रॉयल वाली फीलिंग भी आती है कि हमने कुछ ना बुक किया है, मतलब ऑसम। पैसे वसूल हैं जितने भी पैसे आपके लगते हैं इस गेस्ट हाउस को बुक करने में। देख सकते हो कितना सारा स्पेस मिलता है आपको और कितनी गजब गजब लाइटिंग हो रखी है। और यहाँ पे ये अगर मैं चेयर की बात करूँ तो कितनी सिटिंग मिल जाती है आपको, 350, मतलब ईजिली से मिल जाएंगी आपको 350। ये तो 350 चेयर जो है ईजिली से गिर जाएंगी इस इतने बड़े हॉल में। और सबसे अच्छा जो हमें लगा वो ये लगा कि स्टेज के बगल में अगर आपको कोई प्रोग्राम करवाना हो अपना, जैसे कि विश्वकर्मा जी ने कुछ सिंगर बुलाए थे, और जैसे राधा कृष्ण वाला प्रोग्राम नहीं होता, लोग राधा कृष्ण डांस करते हैं, तो वो प्रोग्राम आप अपने जो स्टेज के बगल में करवा सकते हो। और अगेन देखो कितना सारा स्पेस आपको मिल जाता है इस जयमाल हॉल में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये राधा कृष्ण जो है वो डांस कर रहे हैं। तो आप कुछ इस टाइप का प्रोग्राम जो है आप करवा सकते हो अगर आपको करवाना है, आपके दिल में है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो ये लगा कि जैसे मान लो मेरे भी दिल में था कि जब मेरी शादी हो तो जो डीजे हो वो स्टेज के बिल्कुल बगल में हो, जिससे कि जयमाल के बाद हम डांस कर सकें। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे इतना स्पेस आपको मिल जाता है। तो नीचे आके मैंने देखा कि कुछ ढोल वाले थे जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अपना। कोई गले में डाल के ढोल घुमा रहा है, तो किसी ने दांतों के नीचे इस ढोल की पट्टी को दबा के ये चारों तरफ घुमाया है। बहुत अच्छे अच्छे स्टंट किए इन्होंने। ये देखो ढोल पे ढोल रख के उसके ऊपर चढ़ के ये ढोल बजा रहे हैं, फिर उसको घुमा रहे हैं। तो देखने में तो मतलब इजी लग रहा है, जब करने में बहुत ही कठिनाई होगी भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है ये करना। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया।
तो अलग अलग करके अलग अलग टाइप के इन्होंने स्टंट दिखाए अपने, अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस दिखाया ढोल वालों ने। बारात जैसे कि हम देख चुके थे कि आ चुकी थी और लड़का घोड़ी से उतर के अब यहाँ पे टीका हो रहा है। जो जयमाल से पहले टीका नहीं होता लड़के का, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पे टीका हो रहा है। इसके बाद इन सीढ़ियों से चढ़ के वो जयमाल हॉल में जाएंगे। तो हम भी, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे गाँव की हैं, तो जयमाल हॉल में हम आ चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं थोड़ी सी। तो वो चीज़ भी हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और ये देखिए दोस्तों, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं और माला इन्होंने डाल दी एक दूसरे को। और दोस्तों अब जो देखने को मिलने वाला है ना, वो अमेजिंग भाई, अमेजिंग। ये देखो पूरा माहौल धुआं धुआं कर दिया भाई, मुझे तो सबसे अच्छा लगा भाई। औसम औसम, एक नंबर, क्या कहना। ये पूरा माहौल रंगीन रंगीन बना दिया इन्होंने। वो कहते हैं ना, अपना माहौल रंगीन बना देंगे पूरा। ये येलो ग्रीन ब्लू, ये जो होली में जलाते हैं ना हम लोग होली में, तो वो चीज़ इन्होंने लगा रखी थी। जिसने भी डेकोरेशन की ना भाई, सुपर्ब डेकोरेशन, सुपर्ब। कोई रोहित करके था, मैंने देखा हुआ था, मैं अभी आगे आपको पोस्टर दिखाऊँगा, उरई का ही था रोहित डेकोरेशन करके। क्योंकि ये जो गेस्ट हाउस है ना, वो उरई जालौन जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट जालौन, स्टेट यूपी, उरई में है। जैसवाल, जैसवाल रॉयल और जैसवाल मंदिर बहुत ही फेमस है। और दोस्तों मेरे साइड से दूल्हा दुल्हन दोनों को मुबारक भाई, मुबारक। और देख सकते हो बहुत ही अच्छी शादी हुई है। और हमेशा भगवान आपको खुश रखें, हमेशा भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियां बनाए रखें, मेरी यही तमन्ना है भगवान से। तो इसके पास में ही डीजे लगा है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पे हो रहा है डांस, और डांस हो और मैं डांस ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी डांस किया है, मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड करता हूँ, मे भी शायद कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, तो मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड करता हूँ अपने डांस के और मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, जैसा भी है, खैर अपने ही डांस है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये देखो गेट पे शहनाइयाँ बज रही हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत गजब डेकोरेट हुआ था। ऑसम भाई ऑसम। ये आप सामने देख सकते हो, रोहित फ्लावर करके कोई था, रोहित फ्लावर डेकोरेशन वेडिंग प्लानर, तो इन्होंने ही डेकोरेट किया होगा। तो अगेन अगर आपको नहीं पता है कि जैसवाल गेस्ट हाउस कहाँ पर है, तो ये उरई में स्थित है, स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उरई। तो जयसवाल के वैसे तीन चीज़ें हैं यहाँ पे,
ठीक है, जैसवाल होटल, जैसवाल टेंपल एक गेस्ट हाउस है और एक है जैसवाल रॉयल।